Hello friends, I hope that you all are doing well. So here in this video today, we will be doing an activity on linear equation. And we will be solving a linear equation with the help of algebraical tiles. Fine, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक linear equation ले रखी है 2x plus 3 is equal to 7, जहाँ पे x एक वेरिएबल है और यहाँ पे हम x की वैल्यू को निकालेंगे algebraical tiles की हेल्प से. ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है और यहाँ पे हम दो सेट यूज़ करेंगे एल्जेब्रिकल टाइल्स के. जो पहला है हमारा रेक्टेंगुलर शेप में है और इसमें इसके दो पार्ट हैं. पहला ग्रीन कलर का है और जो अदर पार्ट है वो हमारा रेड कलर का है. जो ग्रीन पार्ट है रेक्टेंगुलर टाइल का, ये इंडिकेट करता है प्लस एक्स को और जो रेड पार्ट है ये इंडिकेट करता है हमारा माइनस एक्स को. ठीक है, तो ये जो टाइल है पूरी ये प्लस एक्स और माइनस एक्स को इंडिकेट करती है. ठीक है, वैसे ही हमारी जो दूसरी टाइल हम यूज़ करेंगे वो एक छोटी स्क्वायर शेप में है. ठीक है, इसके भी दो पार्ट हैं, वाइट एंड रेड. जो रेड है हमारा माइनस वन को रिप्रेजेंट करता है और जो वाइट है हमारा प्लस वन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो वापस इक्वेशन में आते हैं. यहाँ पर तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या है, प्लस टू एक्स. तो हमें यहाँ पर दो रेक्टेंगुलर टाइल लेनी पड़ेंगी ग्रीन कलर की. तो ये मेरा क्या हो गया, प्लस टू एक्स. ठीक है, वैसे मेरा यहाँ पे क्या है, प्लस थ्री. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तीन ये छोटी स्क्वायर शेप की टाइल लूँगा और इसमें वाइट कलर ऊपर की तरफ होगा क्योंकि मैं यहाँ पे प्लस थ्री कर रहा हूँ. वन प्लस वन प्लस वन प्लस थ्री. तो ये मेरा कितना हो गया, एक्स प्लस एक्स टू एक्स, टू एक्स प्लस थ्री. अब आते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, यहाँ पे मेरा क्या है, प्लस सेवन. तो मेरा प्लस वन प्लस टू, ये तीन हो गया तो प्लस थ्री हो गया. प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस प्लस थ्री हो गया फोर, फाइव सिक्स एंड सेवन. तो राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, हमने सेवन ये छोटी वाइट कलर की स्क्वायर टाइल्स ली हैं. ठीक है, तो अब मेरी इक्वेशन कंप्लीट हो गई एल्जेब्रिकल टाइल के फॉर्म में, 2x plus 3 is equal to 7. अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हम 3 माइनस के 1 ऐड करेंगे. ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे माइनस वन माइनस वन माइनस वन मीन्स माइनस थ्री ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड पे. ठीक है, तो वैसे अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में भी हम माइनस थ्री ऐड करेंगे, माइनस वन माइनस वन और माइनस वन. तो अब हमारी क्या होगी, इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस थ्री किया है और राइट हैंड साइड पे माइनस थ्री किया है. ठीक है, अब हमें पता है कि हमारा प्लस वन माइनस वन इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है. ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये प्लस वन माइनस वन ये क्या हो गया, ज़ीरो. प्लस वन माइनस वन ये क्या हो गया मेरा, ज़ीरो. ये प्लस वन माइनस वन मेरा क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया. सिमिलरली राइट हैंड साइड में प्लस वन माइनस वन ज़ीरो, प्लस वन माइनस वन क्या हो गया, ज़ीरो. प्लस वन माइनस वन मेरा क्या हो गया, ये ज़ीरो हो गया. और हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया, एक्स प्लस एक्स टू एक्स और राइट हैंड साइड में वन टू थ्री फोर, फोर हमारी छोटी वाइट कलर की या प्लस वन की टाइल बच गई हैं. तो अब इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो मेरा x हो गया, ये मेरा x है. यहाँ पे भी 4 को हम 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 2 प्लस 2 हो गया. तो हमारे x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2. तो यहाँ पे इस तरीके से हम एल्जेब्रिकल टाइल की हेल्प से हमने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया. सो आई होप दैट यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो and now the concept of linear equation is clear to us. Fine, so request you to share this video with your friends. At the same time, subscribe to my channel and keep watching my videos. Thank you so much for watching this video.